बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं, बैंक निफ्टी कहां मोमेंटम कर सकता है, बैंक निफ्टी में कौन से डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ चीजों को प्लान करेंगे। अभी फिलहाल के लिए अगर हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी का आपको जो क्लोजिंग दिख रही होगी वो कहीं ना कहीं क्लोजिंग आपको जो चार्ट पे दिखती है एंड एक्चुअली में दिखती है उसको डिफरेंस होता है, उस चीज को पहले याद रखो। क्योंकि यहाँ पर आपको क्लोजिंग दिख रही है 41,485 की दिखा रहा है और यहाँ पर 488 का है, ये सेटलमेंट होता है जो क्लोजिंग के टाइम पे होता है, उसको एवरेज निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हो, तो अभी फिलहाल के लिए देखेंगे तो हमने क्या किया है, लास्ट टाइम एक बहुत बड़ी कैंडल बनने के बाद यहाँ पर हम कंटिन्यूसली बहुत बड़ा एक सेलअप देखने के बाद हम साइडवेज चले गए। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है, साइडवेज ऐसा क्यों होता है, इस पहले चीजों को समझो। क्यों देखो, साइकोलॉजिकल ये पॉइंट होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट बता करके थे, होप आपने उसको देखा भी होगा एंड आपने समझा भी होगा। अभी फिलहाल के लिए हम जो अपर साइड में जाने की कोशिश कर रहे थे मार्केट में, कहीं ना कहीं हम मार्केट में कंटिन्यूसली कोशिश करते रहे कि हम 41,400-600 ये लेवल से हम मार्केट में बार बार सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा था, लेकिन हम इसको ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ा गैप अप मार्केट में, जो गैप डाउन हुआ मार्केट में बहुत बड़ा, इसकी वजह से हमारे सारे सिचुएशन ही चेंज हो गए। एक बार वापस मैं आपको एक बार चीज बता देता हूँ कि माइक का थोड़ा सा आपको इश्यू लगेगा इस वीडियो में, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज वगैरह कुछ चीजें गलत हो सकती है, तो उसको एक्सक्यूज कर लेना, क्योंकि जैसे मैंने अपडेट किया था कि मेरा माइक खराब हुआ है, माइक आज आफ्टरनून तक मिल जाएगा तो उसके बाद कोई इश्यू नहीं रहने वाला, बस आज के लिए एडजस्ट कर लेना, नेक्स्ट वीडियो से सारे वॉइस इश्यू निकल जाएंगे। लेकिन दिक्कत है कि आप में जब तक आपके सामने आकर ही चीजें नहीं बताऊंगा आप फील नहीं कर पाओगे अच्छे से, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है आप वॉइस में थोड़ी सी आप एडजस्ट कर सकते हो, ताकि कंटेंट कुछ अच्छा मिल रहा है तो वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो एडजस्ट भी कर लेना। ओके, बस आज के लिए हमने बहुत बार कोशिश किया, लेकिन हमने एक बहुत बड़े गैपअप के बाद हमारी ओपनिंग कहीं ना कहीं 41,800 के आसपास ओपन हुआ एंड इसके बाद हम शार्प सेलिंग कर गए एंड शार्प सेलिंग के बाद हम वापस साइडवेज चले गए। क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने की वजह से हम जितना भी नीचे चले जाएंगे ऑब्वियसली बात है कि ऐसे कंटिन्यूसली नीचे नहीं गिरते जा सकते, सो दैट्स व्हाई यहां पर होल्ड करके। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कोई क्या प्लान है, बहुत सिंपल सा प्लान रहने वाला, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे मार्केट अभी फिलहाल के लिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर, मतलब जहां पर अभी यहां पर क्लोजिंग दिख रही है, अगर इसी जोन के अंदर अंदर कहीं पर भी ओपन होकर अगर ये वापस 41,400 को नीचे की साइड में अगर ये क्रॉस कर जाता है तो हम इसको क्विक यहां पर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। हम यहां पर इसके नीचे जैसे ये ट्रेड करने शुरू कर देंगे, हम 41,400 के नीचे सेल इसको करेंगे, क्योंकि फ्लैट ओपन हो रहा है, सेलिंग प्रेशर आया यही पर इसी जोन के अंदर वापस ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है और नीचे जाने की कोशिश करेगा तो हम ट्रेड करने की बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद हमें काफी अच्छा ट्रेड मिल सकता है, बस मार्केट वापस गैप डाउन ओपन हो, अगर मार्केट वापस अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमारे हाथ में कोई ज्यादा बचेगा नहीं, क्योंकि वापस ये सेलिंग आया फिर मार्केट सीधा वो नीचे ओपन हो गया, मतलब जो हमें टारगेट मिलने वाला था इंट्राडे में वो तो टारगेट ऑलरेडी निकल जाएगा हमारे हाथ से, तो हमारे हाथ में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। इसके लिए हम थोड़ा सा वापस प्राइस एक्शन को देखकर हम ट्रेड करना पसंद करेंगे अगर ऐसी चीजें कुछ होती है तो, लेकिन हम सारे प्लान बना के रखेंगे किस तरीके से हमें प्लान करना है। अगर मार्केट गलती से भी गैप ओपन हो जाता है तो वापस हम सेल करने की ही इसको कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट कहीं पर भी 41,700 या फिर गलती से भी 41,000 इतना भी गैप अप अगर हम ओपन हो जाते हैं, कहीं पर भी अगर गैप अप हो जाते हैं तो हमें यहां पर थोड़ा सा क्या करना चाहिए कि मार्केट ज्यादातर क्या करेगा, पहले नीचे आएगा फिर वापस ऊपर जाएगा और इसी जोन के अंदर अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, लेकिन हमें ओपनिंग के टाइम पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर मार्केट थोड़ा सा बड़ा गैप अप ओपन होता है। क्योंकि जैसे कि बड़ा गैप डाउन हुआ वैसे ही बड़ा गैप अप हो सकता है, कोई गारंटी नहीं, मार्केट कहीं भी जा सकता है, लेकिन हम सही तरीके से प्लान करेंगे। अभी फिलहाल के सेम कि अगर मार्केट कहीं पर भी गैप अप हो जाता है इसी जोन के अंदर अंदर, अगर ये 41,800 से लेकर अगर 700 के बीच में अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो हमें वापस सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है देखने के लिए, जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी पहले, मतलब सेलिंग पहले आप में होगा उसके बाद मार्केट रिकवरी भी कर सकता है, यहां से सेलिंग आएगा पहले सेलिंग आएगा फिर यहां से रिकवरी करेगा एंड इसी दिन के अंदर अंदर पूरा टाइम यहां पर स्पेंड करने की कोशिश करेगा। बस ये किसी भी सिचुएशन पे ना इसके नीचे गैप डाउन नहीं होना चाहिए, अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो हमारे हाथ में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, फिर मार्केट सीधा यही पर ओपन हो जाएगा तो हमारा टारगेट भी यहां पर, जो हमारा पहले से हम टारगेट डिसाइड कर रहे थे टारगेट ही हमारे यहां पर अचीव हो जाएगा, तो हमारे हाथ में ज्यादा कुछ बचने नहीं वाला। सो दैट्स व्हाई मार्केट के जो गैप अप एंड गैप डाउन होते हैं ये कहीं ना कहीं मार्केट में हमारे बहुत ज्यादा थोड़े से हमारे हाथ में से टारगेट एंड सारी चीजें अचीव निकाल के ले जाते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल के लिए अगर आप यहाँ पर देख रहे हो चार्ट को, तो ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा था कि मार्केट यहाँ पर भी सेम चीज हुआ, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है कंटिन्यूसली सेम जगह से और सीधा ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ से वन वे नीचे चला गया। अब हमारे हाथ में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं अगर ऐसा सिचुएशन होता है, अगर सेम सिचुएशन यही पर ओपन हो जाता है तो हमारे हाथ में क्या बचेगा, सीधा यहां तक ही पहुंच जाएगा एंड फिर हम वापस सपोर्ट जोन के आसपास कई बार पहुंच जाएंगे एंड फिर यहां से हम वापस। तो अगर मार्केट गैप डाउन बड़ा ओपन हो जाता है गैप डाउन कहीं ना कहीं, तो हम एक प्लान कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जोन के अंदर अंदर ओपन हो जाएगा तो हम सिंपल सा एक प्लान क्रिएट करेंगे, उस प्लान में हम क्या करेंगे कि रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। कैसे, अगर मार्केट इसी जोन के अंदर अंदर कहीं पर भी ओपन हो जाता है
यही पर आपको गैप डाउन दिखता है मार्केट। अगर मार्केट कहीं भी गलती से भी गैप डाउन दिखता है तो हम यहाँ से मार्केट कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर किया, यहाँ से हम इसको रिवर्सल के लिए प्लान आउट कर सकते हैं, जो रिवर्सल के लिए जाकर हमें एक अच्छा ट्रेड भी दिखा सकता है। लेकिन इसके बाद ये पहले आप में रिवर्सल करेगा फिर नीचे आएगा, इस तरीके से कोई प्लान भी हम इजिली कर सकते हैं। बस पहले सिंपल सी चीजों को आज के लिए आपको याद रखना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की साइड में निकल जाता है हम सेलिंग को प्रीफर करेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है ये भी तो हम मार्केट को कहीं ना कहीं वापस पुल बैक के लिए रिकवर करेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा गैप नीचे आया फिर वापस पुल बैक किया फिर कंटिन्यू कर सकता है, इस तरीके से कोई प्लान बना सकता है। सो इन चीजों का सर थोड़ा सा प्लान करेंगे। बस एक मिनट के लिए निफ्टी देख लेते हैं। क्यों निफ्टी देख लेते हैं? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं सर आप बैंक निफ्टी का तो बात करते हो लेकिन निफ्टी के बारे में ज्यादातर आप बात नहीं करते। सो दैट्स व्हाई चलो निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी की सिचुएशन में चल रहा है। अब अगर आपने मुझे टेलीग्राम या पर अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं फॉलो करते तो फॉलो किया करो, क्योंकि मैं लाइव चीजें सारी कुछ चीजें वहां पर अपडेट करता रहता हूं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी क्या बता के रखा था, मैंने अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो जाकर खोल के देख लेना, मैंने क्लियर एक बार मेंशन किया था निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कहीं ना कहीं अगर ये जोन के अंदर यहां पर ओपन हुआ है तो यहां से एक हैमर कैंडल देखने के लिए मिलेगी हमें, डेली कैंडल में एक हैमर कैंडल टाइप कैंडल देखने के लिए मिलेगी। और यहां पर अगर आप ओपन करके देखते हो तो क्लियर हैमर कैंडल देखने के लिए मिली होगी। ये कैंडल हमें पहले से हमने डिसाइड किया था कि ऐसी कैंडल बनने वाली है। और बैंक निफ्टी भले ही नीचे आ रहा था तब मैंने आपको क्लियर बोला था कि इसको बिल्कुल भी सेल मत करो क्योंकि वापस पुल बैक करने वाला है, और ये पुल बैक करेगा और आपकी स्टॉप लॉस हिट करने वाला है, क्योंकि ये जो पहला फॉल आया था बहुत फास्ट आया और उसके बाद ये रिकवर भी कर गया। और निफ्टी का तो मैंने निफ्टी के बारे में तो क्लियर मेंशन किया हुआ था, अगर आपने सुना होगा तो बहुत अच्छा होगा कि मार्केट नीचे गिरा है तो यहां से पुल बैक करने की कोशिश करेगा और हैमर कैंडल बनाएगा। तो निफ्टी का क्या प्लान हो सकता है? निफ्टी का एक सिंपल प्लान है, निफ्टी को थोड़ा सा हम कल के लिए प्लान नहीं करने वाले ज्यादा कुछ, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए प्लान करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन निफ्टी ऑलरेडी हमारे कहीं ना कहीं पिछले लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर चलो 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते एक बार निफ्टी को, तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आपको आ रही होगी मुझे पता है, कहीं ना कहीं से मुझे खुद आ रही है तो आपको भी आ रही होगी। अभी फिलहाल के लिए निफ्टी के लिए प्लान थोड़ा सा बाइंग के लिए कर सकते हैं निफ्टी का प्लान, क्योंकि निफ्टी जिस तरीके से यहाँ पर होल्ड कर गया है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों भी अगर अपसाइड निकल जाते तो बैंक निफ्टी में प्लान नहीं बनेगा, लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा अच्छा बाइंग साइड ट्रेड ले सकते हैं जो मार्केट ऊपर जाएगा। और ज्यादा कोई बड़ा टारगेट नहीं लेने वाले, बस ओनली 17,500 का एक छोटा सा टारगेट लेंगे, वहां से मार्केट वापस रिवर्सल के लिए भी प्लान कर सकता है। इन चीजों के लिए प्लान करेंगे, कोई ज्यादा बड़ा प्लान नहीं करने वाले, इतने ही चीजों से हम प्लान करके रखेंगे। बस कि अगर निफ्टी अगर नीचे की साइड में ओपन हो जाता है गैप डाउन तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा पहले प्राइस एक्शन कैसे वर्कआउट कर सकता है, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। बैंक निफ्टी के पास अभी भी स्पेस है, बैंक निफ्टी गैप डाउन हो जाता है तो हमने जिस तरीके से प्लान करा उसी तरीके से प्लान कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही पर एक आ रही है कि जो बैंक निफ्टी है हमारा वो निफ्टी के साथ सिंक में नहीं चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है। अगर ये दोनों सिंक में चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी।